नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो एक्शन लेंगे। ये रीडिंग होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, और फिर देखेंगे आप क्या सोचते हो, क्या वो एक्शन लेंगे अगर आपके साथ उनका बातचीत बंद है या फिर बात हो रहा है तो वो क्या सोच रहे हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्स के कार्ड, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता सही है लेकिन वो रिश्ते को फिर से एक दोस्ती की तरह शुरू करना चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, मुझे लगता है कि वो बंदा जिसके साथ आपका रिश्ता है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इन 72 आवर्स में मुझे लगता है वो बहुत परेशान है, वो दुखी है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि किसी ने उनको धोखा दिया है। इस परेशानी से वो उभर नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और ख़ुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं और रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है जिसके कारण वो दुखी है, वो परेशान है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं और उनको लगता है कि अभी इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहिए। अभी देखते हैं आपके करेंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ वॉन्स, आप भी इंतज़ार कर रहे हो। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, आपको भी लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको लगता है आपको धोखा दिया है, उन्होंने धोखा मिला है आपको और उनको भी लगता है आपने उनको धोखा दिया है। हो सकता है आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो सही वक्त का, नई शुरुआत वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, आप उनके साथ परिवार चाहते हो, वो ही आपका विश फुलफिलमेंट है, फिर भी आप लोग दुखी हो, आप वेट कर रहे हो, लास्ट मोमेंट की वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अगर वो आपको आके बोल दे तो आप बात करना चालू कर दोगे क्योंकि आप भी दुखी हो, परेशान हो, आपको लगता है कि उन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। वैसा उनको भी लगता है कि आपने भी उनको धोखा दिया है, परेशान किया है जिसके कारण वो रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप दोनों को ही लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है और उनको भी लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, परेशान किया है। तो आप इंतज़ार कर रहे हो सही वक्त की, आप इंतज़ार कर रहे हो उनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की, आप उनके साथ अपना परिवार देखते हो, आपको लगता है वो आपके उनके साथ आप एक परिवार बना सकते हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो और आप इंतज़ार कर रहे हो सही वक्त की। जब सही वक्त आएगा हो सकता है आप तब डिसीजन लो या फिर वो कब आके आपसे ये बात कहे कि पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहिए, आप इस बात की इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि जो धोखा उन्होंने दिया है उसके बाद भी आप उनके साथ रिश्ते में जाना चाहते हो लेकिन आपको इतना सिर्फ चाहिए कि वो आपको आके ये बात बोले, या फिर आप ऐसा भी चाहते हो कि आप देख रहे हो कि अगर वो एक्शन लेता है तो ले, नहीं तो बाद में जाके हो सकता है आप लास्ट में जाके आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो। अभी देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे इन 72 आवर्स में, क्या इन 72 आवर्स में वो कोई एक्शन लेंगे।
नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, वो तो एक्शन लेना चाहते भी है, हो सकता है वो एक्शन ले भी ले या नहीं भी ले सकता है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज है, उनको सही तरह से डिसीजन लेने में थोड़ी तकलीफ हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। हालांकि वो आपको अपना ज़िंदगी का सबसे प्यारा आपके साथ जो रिश्ता है उसको मानता है, उनको लगता है कि अभी आप जो उनके लाइफ में हो, आप इतनी अच्छी पार्टनर उनको मिला है, भगवान ने दिया है, लेकिन फिलहाल वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है, वो चुप है, वो क्योंकि वो ये दिखा रहा है कि मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, क्योंकि वो कंफ्यूज है, वो उनके दिमाग में सही तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी जो वक्त है इसमें वो अपने दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो कंफ्यूज है। अगर मैं कहूँ कि इन 72 घंटे में क्या वो एक्शन लेंगे, तो नहीं, एक्शन वो लेना चाहते हैं लेकिन वो रुका हुआ है, वो चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपना प्यार, अपना इमोशन आपसे हाइड कर रहा है, वो अकेला रह के आपको ये दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ, लेकिन बात ये नहीं है, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं लेकिन वो अपना इमोशन आपको दिखाएंगे नहीं, और वो खुद आगे चल के इन 72 घंटे में तो नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स ही आपसे ये कह रहा है कि आप लोग अगर रिश्ते को छोड़ के चले गए थे, आप लोगों में से कोई एक अगर उनको अगर लग रहा था कि रिश्ते से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया जाए, अगर किसी कारण से आपका दिल दुखा हुआ है, आप दोनों का अगर आप परेशान हो, तो पहले उस चीज़ों को ख़त्म करो, जिस अनफिनिश्ड बिजनेस को आप लोग संभल के रखे हुए हैं कि वो पहले आए, ये पहले आए, जिस कारण से आप लोग दुखी हो, परेशान हो, अगर किसी को आगे चल के बात करना है तो बात कीजिए, हो सकता है आप दोनों ही आगे चल के बात करना चाहते हो लेकिन दोनों ही रुके हुए हो, इसीलिए किसी एक को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, और जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जिस बात से आप लोग परेशान हो, पहले उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, फिर आप लोगों का जो रिश्ता है एक नए सर्कल में जाएगा। लेकिन नए सर्कल में जाने से पहले आप लोगों को रिश्ते की जो परेशानी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो रिश्ता है वो एक नए सर्कल में जा सकता है। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस जो आप लोगों में है, मतलब जो बात आप लोग अपने अंदर रख के दुखी हो, परेशान हो, उस चीज़ों को आपको क्लियर करना है, उस बातों को क्लियर करना है, किसी एक को आगे आके रिश्ते की डोर को संभालना है और चीज़ों को क्लियर करके फिर आपका रिश्ता जो है एक नई सर्कल में जा सकता है। लेकिन पुराने गिले शिकवे को पहले ख़त्म करना होगा, नहीं तो आपका रिश्ता जहाँ है वहीं रहेगा और आपका दिल भी दुखा रहेगा आप लोगों का। इसीलिए रिश्ते को अगर सही तरह से चलाना है, नए सर्कल में जाना है, तो पुरानी गिले शिकवों को दूर करना पड़ेगा, और जो रिश्ते से पहले बाहर गया था या फिर रुके हुए थे, उसको ही आगे आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।